बालों को कलर करने का बहुत बड़ा बाजार है। बालों में पहले तो हम केवल काले कलर क्या करते थे, आजकल तो तरह तरह के कलर बालों को किए जा रहे हैं। इसका वैज्ञानिक दृष्टि से बात करें तो क्या लाभ होंगे? जी हाँ, आजकल के ज़माने में बालों को कलर करना बहुत ज़रूरी हो गया है। एक ये मिथ है कि जिसके बाल सफ़ेद होते हैं वो काला करना चाहता है, जिसका काला है वो ब्लीच करके सफ़ेद करना चाह रहा है। तो बालों को कलर करते समय भी वही, बालों कलर करने में कोई बुराई नहीं है, कलर कर सकते हैं, क्योंकि बाल जो है ऊपर डेड स्ट्रक्चर है। अच्छा। तो उस पर उसके खुराक कोई सबका ज़्यादा बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। तो बालों को कलर कर सकते हैं, बस ध्यान रखें कि बहुत अच्छे क्वालिटी का कलर हो। अच्छा। और लगाने से पहले चेक कर लें कि उससे कोई रिएक्शन सेंसिटिविटी तो नहीं हो सकती। या तो कान के पीछे लगा के एक दिन पहले देख लें, या पीठ पे लगा के उसको चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो मार्केट में अवेलेबल कलर हैं, डाई हैं, अच्छे क्वालिटी के यूज़ कर सकते हैं, या इसमें कोई यदि संदेह होता है तो अपने डॉक्टर से आप राय ले सकते हैं। उनके बाल सफ़ेद हो गए हैं, उनको जड़ से काला करने के तेज बहुत सारे विज्ञापन चल रहे हैं, उसमें आपका क्या कहना है? ये सही बात है क्या, हो सकता है संभव? जिसके जड़ से बाल सफ़ेद हो गए, देखिए सबसे बड़ा इसमें फैक्टर होता है जीनेटिक, जीन्स का। यदि उसके जीन्स में प्री मैच्योर ग्रेइंग है, अर्ली ग्रेइंग है, सफ़ेद होने के लक्षण हैं, तो वो होंगे ही। दूसरा प्रोसेस होता है एजिंग का। एज जैसे जैसे बढ़ेगी, मिलेनिन बनना कम होता जाता है, बाल सफ़ेद होते जाते हैं, तो ये सफ़ेदी बढ़ने लगती है। तो ऐसी कोई दवा अभी तक नहीं है जिसको हम दे सके और कहें कि बाल अब सफ़ेद होंगे। कुछ दवाएं दी जा रही हैं, ट्रायल पर चल रही हैं, जिसमें कि बाल सफ़ेद हो सकते हैं, और इसमें भी बहुत लंबा टाइम लगता है, महीनों सालों लग जाते हैं करने में। तो अभी कुछ नहीं है, नहीं कोई अभी कोई दवा नहीं है जिसको कि हम कहें कि इसको आप लगाएं और उसके बाल काले हो जाएंगे। विज्ञापन भ्रामक चल रहे हैं। हाँ, ये सब विज्ञापन भ्रामक है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। महिला तो पागल है, महिला तो अपने पति को जेब खाली दे रही है, बाल काले करने के चक्कर में, बाल बढ़ाने के चक्कर में। देखिए कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, उसके लिए तो कुछ भी नहीं कर सकता। बालों के चक्कर में महिलाओं ने जो है पति में डाले ATM, वो आजकल सब चल गया डिजिटल, हर चीज मोबाइल पर आ रही है, तो ऑर्डर कर देती महिलाएं अमेजन के थ्रू, अपना ऑर्डर आ रहा है, घर पर पैकेट आ रहा है, पति को पता ही नहीं। अच्छा खुराक लेते रहें, फ्रूट्स अच्छे लेते रहें, खाते रहें, डॉक्टर से दिखा ले, बायोटिन वगैरह ये सब लेने से थोड़ा सा बाल का सफ़ेदी स्लो हो जाता है, लेकिन हम उसको रोक नहीं सकते। कहते हैं कि विटामिन ई खाने से बाल काले हो जाते हैं? नहीं, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट का रोल है, अच्छा खासा रोल है, लेकिन काले हो जाते हैं ऐसी कोई साइंटिफिक। सर महिलाएं को तेल में डालकर लगाती हैं? देखिए जैसे मैंने पहले कहा है, बाल जो है डेड स्ट्रक्चर है। यदि हम कोई भी चीज़ खाते हैं बॉडी को लगने के लिए, मुंह से खाते हैं, पेट में जाता है, वहाँ डाइजेस्ट होता है, उसके बाद वो हर अंग को अलग अलग जाता है। यदि बाल पे कोई चीज़ लगाने से, चाहे उसमें विटामिन ई लगा लीजिए, अंडा लगा लीजिए, चिकन लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, यदि खुराक मिलता तो अब तक सब कुछ हो जाता है। यहाँ से कोई भी चीज़ लगाने के बाद त्वचा के अंदर नहीं जाता है, इसलिए जब त्वचा के अंदर कोई चीज़ नहीं जाता है तो वो बालों तक नहीं पहुंच सकता। बाल का जो खुराक लेने वाला है वो 2 मिलीमीटर नीचे होता है खाल के, तो वहाँ तक कुछ भी नहीं पहुंच सकता। तो मुल्तानी मिट्टी का यूज़ उसका क्या यूज़ है? नहीं, इन सबका कोई रोल नहीं है, केवल ये सब भ्रम है, ये और ये अपने मन को संतुष्टि के लिए है कि कुछ भी आप कर लें। बहुत धन्यवाद।